नमस्कार, मैं वैशाली। ये देखिए, आज मैंने बनाया है ये चॉकलेट केक। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैदे से बना है। जी नहीं, ये मैदे से नहीं बना है, ये गेहूं के आटे से बना है। और आप सोचोगे कि गेहूं के आटे से बना है तो स्पंजी नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना स्पंजी बना है। मैंने इसे दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ तो वापस उठ रहा है। इसका मतलब है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी जालीदार बना हुआ है केक। और ये केक गेहूं के आटे से बना है, फिर भी ये बहुत टेस्टी है। कोई भी खाएगा तो ये जज नहीं कर पाएगा कि ये मैदे से नहीं गेहूं के आटे से बना है। जब भी आप इसे ट्राई करोगे तो देखोगे कि कितना टेस्टी लगता है गेहूं के आटे से बना ये चॉकलेट केक। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने ये गेहूं के आटे से चॉकलेट केक बनाया है। तो ये देखिए, गेहूं के आटे का चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल है, मतलब 1/4 कप ऑयल डालना होता है हमें। तो मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। चाहे तो आप सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल या बटर या देसी घी भी ले सकते हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई चीनी, और ये मैं 3/4 कप ले रही हूँ। चाहे तो आप बराबर मात्रा में ले सकते हो, क्योंकि मैंने गेहूं का आटा 1 कप लिया है। तो चाहे तो आप 1 कप भी ले सकते हो, क्योंकि मैं मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ तो थोड़ी सी चीनी मैंने कम कर दी है, क्योंकि उसमें भी मिठास होती है। अब हम बढ़िया फेंट लेंगे ऑयल के साथ में चीनी को, ये देखिए पिसी हुई चीनी को। और ये नॉर्मल घर की चीनी, वाइट वाली चीनी, उसे पीस लिया है मैंने। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पिसी हुई चीनी मतलब शुगर पाउडर और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए क्रीम की तरह बन गया है, ये देखिए। और अब मैं इसमें सभी सूखी चीज़ें डालूंगी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें चॉकलेट पाउडर 1/4 कप, और टेबल स्पून से नापेंगे तो ये 4 टेबल स्पून है। और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया हुआ है, इसे ले लूँगी। इसे भी मिक्स कर लूँगी पहले। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे तो गुठलियाँ नहीं पड़ती। ये देखिए इस तरह से। आप विस्कर से भी मिक्स कर सकते हो, चम्मच से भी मिक्स कर सकते हो। और मैं बना रही हूँ यह आटे का, गेहूं के आटे का चॉकलेट केक। यहाँ मैदा यूज़ नहीं कर रही हूँ, काफ़ी हेल्दी केक है ये। और गेहूं के आटे को मैं आपको बता दूँ कि मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो भूनने से क्या होता है, गेहूं के आटे का केक बहुत ही बढ़िया बनता है, फ्लफी बनता है, सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैदा काफ़ी चिकना होता है तो उसका ही अक्सर हम केक बनाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, गेहूं का आटा मैंने भून लिया है, आप कलर देख सकते हो। तो 1 कप गेहूं का आटा है ये। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसे भी मैं मिक्स करूँगी अभी। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कॉफ़ी का पाउच मैंने दूध में घोल लिया है। 2-3 से 4 चम्मच मैंने मिल्क में, जब दूध गर्म था तो इसमें 1 कॉफ़ी का पाउच डाल लिया था। तो ये मैंने नेस्कैफे ली थी, ये देखिए। तो इससे क्या होता है, जब हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये मैं डाल दूंगी पूरा, और थोड़ा थोड़ा करके अब मैं गेहूँ का आटा डालूंगी। और साथ ही अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच यहाँ पर, मतलब 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने लिया है सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं, मीठा सोडा। और 1 चुटकी सॉल्ट, इससे केक का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे मिक्स कर देती हूँ। तो ये देखिए सारी सूखी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। और अब मैं इसमें डालूँगी मिल्क। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क है ये, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ज़ोर ज़ोर से हमें नहीं फेंटना है, हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है इस तरह से। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते जाएंगे और बैटर तैयार कर लेंगे हम केक का। साथ ही अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। चाहे तो आप इसमें चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हो। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथ से, ये देखिए। और गेहूं के आटे से बना हुआ केक काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी रहता है ये। नॉर्मली बच्चे मैदे का केक ही खाते हैं, हम नॉर्मली सब लोग मैदे का केक ही बनाते हैं, लेकिन ये केक बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा बनता भी। ऐसा नहीं कि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो फ्लफी नहीं बनेगा, स्पंजी नहीं बनेगा। भूनने से बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही बढ़िया केक बनता है। भूनने से गेहूं का आटा हल्का हो जाता है और अच्छा रिजल्ट आता है केक में। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें और डालूंगी मिल्क।
तो इसी तरह से केक का बैटर तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप, कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। ये देखिए कितना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है, ये देखिए रिबिन की तरह गिर रहा है बिल्कुल। तो अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा बैटर। और यहाँ देखिए मैंने केक के लिए यहाँ पे केक टिन को रेडी कर दिया है, और मैंने यहाँ पे देसी घी से इसे ग्रीस कर दिया है, नीचे मैंने बटर पेपर लगाया है और इसके ऊपर भी ग्रीस कर दिया है। तो अब मैं केक का बैटर डालूंगी। तो देखिए इस तरह से केक का बैटर डालेंगे, और ये ध्यान रखना है कि जगह रखनी है क्योंकि केक राइज होता है। ये देखिए, तो ये देखिए केक का बैटर डाल दिया है। तो अब मैं एक दो बार इस तरह से टैप कर दूंगी। ये देखिए केक के बैटर को मैंने केक टिन में डाल दिया है। तो अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो मैंने OTG को प्रीहीट कर लिया है, 180 डिग्री पे मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। तो अब मैं इसे बेक करने के लिए रखूंगी। तो ये देखिए केक टिन को मैंने रख दिया है ओवन में, और अब मैं 160 डिग्री पे इसे बेक करूंगी। और मैं इसे पहले 20 मिनट के लिए रख रही हूँ बेक करने के लिए। और ये भी बता दूं आपको कि मैं सिर्फ अभी नीचे की रॉड ऑन कर रही हूँ, जब मैंने प्री हीट किया था तो तब मैंने दोनों रॉड ऑन की हुई थी, क्योंकि नीचे की रॉड ऑन करने से केक हमारा बहुत ही बढ़िया बेक होता है। अगर ऊपर की रॉड ऑन रहती है तो ऊपर से ज़्यादा डार्क कलर आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि केक हमारा जल्दी से पक गया। तो अगर आप इस तरह से बेक करोगे तो केक हमारा बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए हमारे गेहूं के आटे का चॉकलेट केक अच्छी तरह से राइज हो गया है, और आप देख सकते हो कि क्रैक आ गए इसमें। इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छी तरह से पक गया। और मैंने अब ये देख सकते हो कि टूथपिक से देख लिया था, 20 मिनट में मैंने चेक कर लिया था, तब हुआ नहीं था। तो और मैंने इसे पका लिया तो लगभग 30 से 40 मिनट लग चुके हैं केक को अच्छी तरह से पकने में। और आप देख सकते हो कि किनारे भी छूट गए हैं, केक हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। और ये देखिए बचा हुआ बैटर मैंने यहाँ कॉफ़ी जो कप आता है उसमें मैंने डाल दिया था। और आप देख सकते हो ये भी कितनी अच्छी तरह से हमारा फूल गया है ये केक, ये देख सकते हो आप। तो अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे डीमोल्ड करूँगी। और हमने नीचे बटर पेपर लगाया था तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितने आसानी से निकल गया है, ये देखिए आप, और बटर पेपर इसमें था तो ये आसानी से निकल गया है। तो मैं इसे एक प्लेट में रखती हूँ और आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया बना हुआ है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चॉकलेट केक बना है, वो भी गेहूं के आटे से, और अच्छा सॉफ्ट भी बना हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है। ये देखिए अच्छी तरह से राइज भी हुआ है, ये देखिए। तो अब मैं इसे कट करती हूँ, अब मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही नरम है, अच्छा सॉफ्ट है, ये देखिए कितने अच्छे से कट गया। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, आप जाली देख सकते हो कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। ये देखिए कोई भी देखे नहीं बोलेगा कि गेहूं के आटे से बना हुआ है, कितना सॉफ्ट है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए पूरी तरह मैंने दबा दिया, फिर भी ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, ये देखिए, और कलर भी कितना प्यारा आया है।